हेलो गाइस, इट्स मी आस्था। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि बाकी लोगों से हम एकदम अलग हो सके। तो निराश मत होइए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं दुनिया में मौजूद जिनके फीचर्स बाकी लोगों से एकदम अलग हैं और वह बाकी इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग 1 मिलियन में सिर्फ एक ही पाए जाते हैं, फिर चाहे वह दुनिया के सबसे गंदे इंसान की बात हो या फिर एक ऐसी लड़की की जिसकी आंखें एक एक्सरे मशीन का काम करती हैं। यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अलग प्रकार के लोगों के बारे में, जिनके बारे में सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो आपका ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 9, एक्सरे गर्ल। मिलिए नताशा दमखीना से, जो एक यंग टीनेजर है रशिया से, जो इस बात का दावा करती हैं कि उनकी एक्सरे विजन है, मतलब कि वो लोगों के अंदर देख पाती हैं। यह खूबी उसे बाकी लोगों से अलग ही नहीं बल्कि उसके डायग्नोसिस को ट्रेंड फिजिशियन से भी ज्यादा सटीक बनाती है। बहुत लोगों ने कहा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसको जांचने के बाद बहुत सारे जर्नल्स, डॉक्टर्स और फिजिशियन ने यह बात मान ली कि उसका दावा बिल्कुल सच है। और वह ये काम करने के लिए एक अलग प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसे कोर रीडिंग भी कहा जाता है, जिससे वो लोगों के रिएक्शंस पर अध्ययन कर सकती है। नंबर 8, द सिल्वर मैन। स्टैन जोन्स खुद को एक बीमारी से ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बीमारी का नाम उसने आज तक कभी नहीं बताया। वह एक होम रेमेडी मेके कोलोइडल सिल्वर का यूज कर रहा था, लेकिन वो किस बीमारी के लिए था यह आज तक किसी को पता नहीं। इसमें उनके फेस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कि वह किसी क्वार्टर की बैक साइड का हिस्सा हो। सिल्वर का कोई मेडिकल बेनिफिट आज तक सामने नहीं आया, बजाय इसके कि उसके एक वाउंड की ऊपर यूज किया जाता है उसे ठीक करने के लिए, और जब इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वह लीवर, किडनी और ब्रेन में जाकर जम जाता है, जो आपकी बॉडी को एक ब्लूइश टिंट दे देता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा और इनका फेस ब्लू हो गया। लेकिन आज तक ये बात एक रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर उनको किस प्रकार की बीमारी है जिसका वो इस तरीके से इलाज कर रहे हैं। नंबर 7, क्वीन ऑफ द डार्क। इस साउथ संडीज अफ्रीकन अमेरिकन मॉडल से मिली, इनका नाम माया किम गॉटविच है। यह लोगों को सिखाती है कि उन्हें डार्क होने से डरना नहीं चाहिए, और वैसे भी ऐसी जॉब के लिए इनसे अच्छा तो कोई हो भी नहीं सकता। इनके डीपली पिगमेंटेड स्किन और फियर्स डिटर्मिनेशन ने कन्वेंशनल ब्यूटी के भरम को तोड़ दिया है और दूसरों को भी यह सीख दे दिया है कि किस प्रकार से उन्हें अपनी कलर पर नाज होना चाहिए। उन्हें अपने बॉडी में मेलानिन के हाई अमाउंट में होने पर बिल्कुल शर्म नहीं है, और वह बल्कि चाहती है कि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले। यही नहीं, यह एडवोकेट भी हैं डाइवर्सिटी के लिए फैशन इंडस्ट्री में। इन्होंने हमेशा डार्क लोगों के लिए आवाज उठाई है और उनके फैंस ने भी बहुत प्यार से उन्हें ये टाइटल दिया है, क्वीन ऑफ द डार्क का, जिसका बहुत सहजता से उन्होंने स्वीकार भी किया है। उनकी भाषा में ब्लैक इज बोल्ड, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ब्लैक इज गोल्ड, यह बहुत ही प्रचलित है। वह खुद को किसी से कम नहीं समझती और हमेशा यह सीख देती हैं कि आपकी स्किन भले ही किसी भी कलर की हो, आपको उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर हमें ऊपर वाले ने दी है और इसको खुशी खुशी स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। नंबर 6, द हेयरिएस्ट मैन ऑन अर्थ। कई लड़कों की शिकायत होती है कि उनकी ज्यादा मुस्तैचेस नहीं आती, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको इस बार अपने इस विषय पे फिर से एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि यह आदमी दुनिया का सबसे हेयरिएस्ट आदमी है, यूजियन जुआन चाइना से। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो शर्ट के अंदर कोई चिंपैंजी बैठा हो। इसके पूरे बॉडी में हर जगह बाल है सिवाय इसके तलवे में और इसके पाम के, लेकिन इस चीज ने इसको जितना ज्यादा फेमस किया है उतना इसके लिए मुसीबतें भी बढ़ाई हैं, जिसकी वजह से अब इसने इस बात का फैसला किया है कि अपने इन बालों को हटाएगा और अपने बचपन के सपने, म्यूजिशियन बनने का सपना पूरा करेगा। नंबर 5, मैन विद द स्ट्रेचिएस्ट स्किन।
गैरी ट्यूमर नाम के एक आदमी हैं जो अपने एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से स्किन को एक बहुत ही अलग लेवल तक खींच सकते हैं, जो इन्हें बाकी लोगों से एकदम अलग बना देता है, क्योंकि बाकी लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यह कंडीशन एक सीरियस एहलॉस डैनलॉस नाम के सिंड्रोम की वजह से है, लेकिन उसने अपने इस चीज़ का बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है। वह इसका यूज़ पब्लिक में करता है, अच्छे टास्क परफॉर्म करके, और उन्हें खुश करता है। 1999 के 29 अक्टूबर को उसने अपने एब्डोमेन की स्किन को 6.25 इंचेस तक स्ट्रेच किया था, जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो अगर अगली बार आपको ऐसा लगे कि आपकी स्किन लटक रही है या आप बूढ़े हो रहे हो, तो आपको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप अपने स्किन के साथ क्या क्या करतब दिखा सकते हो। नंबर 4, वन ब्लू आई। अगर आपने ऐसे न्यू बॉर्न या एडल्ट को देखा है जिनके वाइट लॉक्ड हेयर्स हैं, तो आपने एक बहुत ही रेयर कंडीशन देखी है जिसे पाइबेल्डिज्म कहा जाता है। यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लोगों में मिलानोसाइट्स नाम के सेल्स की कमी होती है, जिसमें एक वाइट पैच होता है उस इंसान के फोरहेड पर, और वाइट हेयर भी होते हैं। यह बहुत ही अनयूजुअल और मैजिकल सा लगता है, लेकिन उसके साथ ही अगर उसकी एक आंख ब्लू हो तो फिर क्या ही कहने। यह एक अलग प्रकार के सिंड्रोम जिसे वॉटनबर्ग कहा जाता है उसका नतीजा होता है, लेकिन इससे हियरिंग लॉस भी हो सकता है। नंबर 3, हॉर्न लेडी। 2010 में एक चाइनीज लेडी जिनका नाम जैंग वुफेंग था, ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को हैरान कर दिया जब उनके बारे में हेडलाइन छपी। 2010 में ही ये 101 साल की हुई थी और इन्हें कॉन्टिन्यूसली अपने सर पर सिंह उगाने के लिए जाना जाता है। इनकी फैमिली फिजिशियंस ने इन्हें बहुत प्यार से एक निकनेम भी दिया है, डेविल्स हॉर्न्स का। भले ही अभी इनके सिर पर बस एक ही हॉर्न दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनके सिर के दूसरे किनारे पर भी एक हॉर्न उग रही है। ये हॉर्न्स इनके अनयूजुअल कैरेंटीनियस स्किन ट्यूमर का नतीजा है। इनको किसी स्टेराइल या रेजर से भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जहाँ इनकी सींग है वह बहुत ही रेयर जगह है, इसलिए इन्होंने इसको रखने का ही निश्चय किया। नंबर 2, द मैन विद नो फैट। न्यू बॉडी फैट हर कोई चाहता है, या फिर कहें कि लेस बॉडी फैट हर कोई चाहता है इस आदमी के शरीर में, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो मांस ही नहीं है। टॉम स्टैनफोर्ड काफ़ी रेयर कंडीशन में रहता है। इसे MDP नाम की बीमारी है, जो माइलोडेड प्लास्टिक प्रीलिक्यूमिक सिंड्रोम का शॉर्ट फॉर्म है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में 0% बॉडी फैट है। यह कंडीशन इतनी रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8 ही लोगों को यह बीमारी होती है। इसकी वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी है और इमोबिलिटी भी है इसके एंकल्स में, लेकिन इसने कभी इन सब चीज़ों से हार नहीं मानी। और यह बहुत बड़ा पैरासाइक्लिस्ट है, जिसने 2011 में GTA पैरासाइक्लिस्ट सर्किट रेस में चैम्पियनशिप भी जीती थी। नंबर 1, द वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन। होमलेसनेस एक वाइड स्प्रेड एपिडेमिक है और स्ट्रीट्स पर रहना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस आदमी ने बिना छत और बिना खाने के भी अपना बहुत नाम कमाया है इस दुनिया में। एमी हाजी, जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, इसने 7 साल तक बिल्कुल भी नहाया नहीं है। ये सिगरेट पीता रहता है पूरे दिन और एक छोटे से गांव के बाहर ईरान के रहता है। यह ग्रेव पिट को ही अपना बेडरूम मानता है। जिन लोगों को इसके लिए बुरा लगा, उन्होंने इसके लिए ब्रिक शैक भी बनवाया, जिसका इस्तेमाल वह बुरे वेदर में कर सकता था, लेकिन इसकी गंदगी और इसकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो इसको नहाने की ज़रूरत है। पता नहीं है क्यों नहाना पसंद नहीं करता, शायद उसका रीज़न पॉवर्टी है या फिर उसकी लेजीनेस। शायद इसको इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि अपना देखभाल रखते कैसे हैं, इसलिए अपने आप को हेयर कट किनारे के बाल काट कर देता है उसको जलाकर। जितना हम लोगों को पता चल पाया है, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं नहाया है और शायद ये आगे भी नहीं नहाया है नहाएगा जब तक इसकी जिस्म से इसकी रूह ना निकल जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।